गुड मॉर्निंग मम्मी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ हेलो भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कौन भाई? मैं हनी मदारी बोल रहा हूँ है भाई? कौन सा मदारी? भाई? हनी मदारी। अच्छा हनीफ भाई, सब खैरियत से हैं? जी भाई, आप खैरियत से? भाई हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बताइए भाई। जी भाई, बस यही खैरियत पूछनी थी। और भाई अब मतलब आपको कोई अब मतलब खानकाह आलिया मदरसे से बुक्स तो नहीं मेरा भाई? भाई भूख हमें अपनी उम्मत की किसी भाई से नहीं है। मेरा भाई तो अच्छी बात है, बस ऐसी अखलाक और मोहब्बत से ही करना चाहिए। बाकी मतलब ज्यादा मतलब ये नहीं कि मतलब अरे भाई औलिया कितने की मदारी दाखिल अल्हम्दुलिल्लाह करना हमारे चाहिए। दोस्त बन चुके हैं। ठीक है, देखिए जो बात हम कहते हैं ना वो वही कहते हैं, जो बात वाकई मेरे भाई उनमें भाई जो खामियां भाई पाई मेरे जाती हैं, भाई बाकी किसी की जातियात पे भाई हमला नहीं आप करते हैं। जी भाई मेरे भाई, अगर आपकी बात अच्छी होगी तो आपको मैं आपकी बात मानूंगा, और जो मेरी बात मानने लगे वो आपको माननी होगी मेरा भाई। देखिए मदार पाक जो हैं भाई वो अल्लाह के वली हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, उनसे मोहब्बत जी करते हैं। माशाल्लाह। जी लेकिन उनके नाम भाई से जो लोगों ने मेरे भाई जो धंधा पानी स्टार्ट कर रखा है ना, तो ये नहीं अच्छा मेरा भाई, लगता है आप मेरा भाई धंधा पानी कैसा आप बताएंगे मेरा भाई? भाई। धंधा पानी ये है कि जैसे वहां पे मेरे भाई एक आदमी है, उसको एकदम नंगा कर दिया गया, पीठ पूरी नंगी है, पेट पूरा नंगा है उसके, एक आदमी पूरा जो सुई होता है लंबी लंबी उसको डाल रहा है, और सुई मेरे भाई डालने के बाद बकायदा मेरे भाई एक आते हैं मौलवी साहब, वो माइक के ऊपर बोलते हैं दम मदार बेड़ा पार, दम मदार बेड़ा पार। तो ये तमाशे ना करें दीन के नाम से, आप समझ रहे भाई हैं? अब जो भी मदार जैसे बाबा ने आपने कभी कहा नहीं कहा कि कि मेरे जाने के बाद अपने बदन को मेरे भाई सुइयां और सूजे डाल डाल के छल्ली कर लेना, उसके बाद मेरे भाई दम मदार बेड़ा पार से पता लगाना। मेरा भाई हजरत उवैस करनी रजी अल्लाह तआला से भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा था कि आप अपने दांत शहीद करो, समझे? तो दांत उन्होंने भैया तोड़े नहीं समझ थे रहे ना हैं मेरा भाई? अपने? तो मेरा भाई वो सब बात एक ही है मेरा भाई। अरे दांत तोड़े नहीं थे ना मेरे भाई, अरे वो तो उनके क्या तारुफ से दांत जो नहीं आता तोड़े है थे? कि उन्होंने अल्लाह के नबी किए मेरे भाई वो जंग की हालत में दांत शहीद हो गए थे, तो उन्होंने मस्त मेरा भाई अपने आप सारे आलिम है? दांतों मेरे को तोड़ दिया। ये सब फर्जी बात प्यारे है। भाई आप आलिम है? भाई आप हाँ आलिम है? हाँ हूँ ना। आपने ये कैसे आलिम है जो आपने कह दे तो फल भी है? अरे हाँ तो फर्जी अमल लेना उनका मेरे भाई। अली रजी अल्लाह ताला अनु मेरे साथ भाई में थे, ठीक है, और उनके साथ मेरे भाई जो अल्लाह के नबी की जो बेटी थी, ठीक है, फातिमा रजी जी अल्लाह ताला अना, वो दोनों लोग साथ में जो अल्लाह के नबी के जो दांत थे उसको बकायदा मेरे भाई पोंछ रहे थे, जो खून बह रहा था। फिर भाई जो फातिमा रजी अल्लाह ताला अना थी, वो एक मेरे भाई कॉटन का कपड़ा लाई, उसको मेरे भाई जी जलाया, तो जो उसकी मेरे भाई जो होती है राख, उससे मेरे भाई दांतों पे लगा अब आप एक दिया, बात ताकि सुनिए जो मेरा भाई, खून है आप खून बहना मेरे बात भाई सुनिए कंट्रोल हो जैसे जाए। कि आप ये, अरे तो यार अली भाई रजी मेरे अल्लाह बात ताला उन्होंने बात क्यों नहीं दांतों को सुनिए अपने तोड़ लिया था? वो तो सामने मौजूद थे। मेरे प्यारे भाई, बात तो सुनिए, बात तो उवैस तक करनी जो घुमा रहे हैं बाद में मेरे आपके भाई चलो जी पैदा बंदे। हुए, उन्होंने उनको इतना मेरे भाई गम हो गया कि उन्होंने दांतों को तोड़ लिया, और जो सामने मौजूद थे जिन्होंने भाई भाई दांतों को एक टूटा बात हुआ आप सुनिए तो, देखा, अरे वो अपने दांत कभी मेरे नहीं प्यारे तोड़े। भाई बात तो सुनिए, जी सुनाइए। बात बिल्कुल सुनेंगे आप? ये सुनेंगे। आप मुनाजरा करते हैं ठीक है मेरे भाई, नहीं करते हैं आप भाई, मुनाजरा करते हैं नहीं करते मेरे हैं भाई, आप करते हैं। मैंने आपकी रिकॉर्डिंग सुनी, आपने भाई, दस वो इल्मी बहस दिन होती है फोन के ऊपर, मेरे भाई पहले मुनाजरा थोड़ी ना आपने होता है। मेरा भाई इल्मी बहस ही आप मतलब इल्मी बहस आप करते हैं हाँ बिल्कुल करते हैं। जी मेरा भाई? तो मतलब आपने कुछ दिन पहले सैयद मुफ्ती आलम से बात करी थी, कौन है ये? हाँ मुफ्ती आलम मदारी मकदू शरीफ से जी हाँ पता नहीं, भाई? याद तो नहीं है तो बात उन्होंने हुई होगी तो। मेरा भाई, आप ये मतलब बनिए ना कि याद नहीं है मेरा भाई, अरे भाई बहुत लोगों से डेली बात होती, नहीं याद है मेरे को तो, क्या हो गया मेरे उसमें? भाई मुफ्ती सैयद मोहम्मद मुफ्ती आलम हाँ हाँ भूल तो गए क्या आप? हो गया? तो मेरे भाई कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है लानतुल्लाह अलल काजिबीन, आमीन ये तो मेरे सुम्मा को झूठ आमीन। ना बोलिए। अगर मेरे भाई अगर आप
को बता रहे हैं। भाई मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ तुमसे, मेरी बात नहीं हुई, मैं ये कह रहा हूँ हाँ बात भाई उनसे हुई होगी, लेकिन अब मुझे एग्जैक्ट याद भाई को नहीं है कि इस वाक्य पे बात हुई थी कि नहीं। मेरा भाई अब बात आप ये सुनिए कि मतलब उन्होंने आपको समझा भी दिया था कि दमोदर बेड़ा पार का क्या मकसद है, और जितने भी आपके मतलब सवाल थे तो उन्होंने हल कर देते, फिर उसके बावजूद भी आप ये क्यों कर रहे हैं। मेरा भाई अगर आपको मतलब इल्मी भाई का गलत ये बताइए, ये दमोदर बेड़ा पार का माना अगर आप, अरे मेरे भाई अगर आपको समझ में आ रही हो बात तो ठीक है, अब आपको ये भी समझ में आ रहे मतलब हम जैसे कि हम मुनाजिर हैं, हम इतनी बहस करते हैं फोन पर, अगर हमें समझ में आ रहा है कि ये लोग बात मतलब मान ही नहीं रहे, आप लोग मेरी बात नहीं मान रहे, तो भाई मैं आप लोगों से क्यों बात करूं, जब आप आएंगे नहीं एक पर तो मैं क्यों बात करूं मेरे भाई। तो भाई हम पहली चीज तो फोन मेरे भाई आप लोग करते हो, आप ही लोग पूछते हो, जो पूछते हो हम बता देते हैं सही बात, हमें कोई शौक थोड़ी ना है कि एक एक को फोन करके मैं समझा। हाल चाल के लिए पूछा मेरे भाई, मैं सिर्फ एक मसला पूछना तो चाहता मैं भी था तो मैंने कोई आपसे मेरे भाई बदतमीजी की, बदकलामी की, मैं भी तो आपसे कह रहा हूँ कि ओवैस कर्मी ने जो दांतों को तोड़ लिया ये फर्जी अमल था उनका, उससे दीन का कोई लेना देना नहीं है, यही तो मैं कह रहा हूँ। और मेरे भाई मैं भी आपसे मतलब कोई लड़ाई झगड़े से नहीं बात किया, आप मेरे भाई हो, तो भाई तो मेरे आप वही हो, तभी तो आपसे कह रहे ना। अच्छा भाई आप एक बताओ, अपने दिल पे आ सकते जिसके सामने मेरे भाई नबी के दांत मेरे भाई टूट गए हों, शहीद हो गए हों, उसने दांतों को अपने भाई कभी नहीं तोड़ा, और उनके बाद मेरे भाई वैसे करनी उनको माज अल्लाह के सहाबा से ज्यादा मोहब्बत हो गई जो उन्होंने अपने सारे दांतों को तोड़ दिया। ये आप अपनी अकल से सोचिए, अगर दांत तोड़ना मोहब्बत की अलामत होती, इश्क की मेरे भाई अलामत होती, तो सहाबा सबसे पहले अपने दांतों को तोड़ के फेंकते थे। मेरे भाई उन्होंने वो भी एक मतलब मेरे भाई, अच्छा आप ये बताइए कि आप यजीद को मानते हो, अपने आप को तकलीफ पहुंचाना क्या ये मेरे भाई अल्लाह ताला ने तालीम दी है? पहले आप मेरे भाई ये बताइए, खुद से अपने दांतों को तोड़ लेना, खुद खुद मेरे भाई तकलीफ देना, बदन में किसी की सुई आर पार करना, ये सब क्या मजाक बना रखा भाई दीन का? भाई आप अकीदा तौहीद पे रखिए, 5 टाइम की नमाज पढ़िए, ठीक है रमजान के रोजे रखिए, ठीक है अगर मेरे भाई पैसा हो तो मेरे भाई जकात दीजिए और जाइए हज करने, ये जो दीन ने इस्लाम की मेरे भाई बुनियाद है उस पर अमल कीजिए, ये दम मदार बेड़ा पार से कुछ नहीं होने वाला। बात मेरे भाई मेरे प्यारे भाई वो आप बात छोड़िए, बताइए कि आप यजीद को मानते हो? हाँ भाई किसको? यजीद को मानते हो? यजीद को मानते हैं मतलब मानते हो, मतलब क्या मानते हैं, मतलब क्या आप पूछना चाह रहे हैं, कौन से माने मानते मतलब अल्लाह के नबी के प्यारे नवासे के सामने, ठीक है अगर सैकड़ों आ जाएं यजीद तो भी अल्लाह के नबी के प्यारे जो मतलब भाई जो नवासे तो उनके पैरों की धूल के बराबर नहीं है, ये हमारा ईमान अकीदा है, नबी के नवासे हमारे लिए उनसे ज्यादा अफजल हैं, लेकिन इसका माना ये नहीं है कि हम यजीद के ऊपर लालतान करें। मेरा भाई उनका जो मकाम है उनको उतना मानते हैं, उनका जो मकाम है मतलब उनके मकाम से मानते हैं। दिल में मेरा भाई इसके आपके दिल में यजीद के लिए भी जगह है मेरा भाई, हुसैन अलैहि सलाम तो मेरे भाई नहीं, यजीद के दिल में मेरे भाई क्या हमने क्या भाई उनके नाम का कलमा पढ़ा है? अरे मेरे भाई हम तो सारे मेरे भाई साहबाइन हम तो सबको मानते हैं, सबके लिए भाई हमारे दिल में जगह है। उनके खातिर अपने घर को लुटा दिए और तुम उनके दुश्मन की इज्जत करते हो, यही सिखाता है इस्लाम मेरा भाई। भाई देखिए आप जो बात कह रहे हैं ना वो सुनी सुनाई बात है, जो करबला के मेले में आप लोग सुनते हो सुनी सुनाई बात भाई नहीं चलेगी। देखिए भाई मदारी अगर आप हैं तो कोई मेरे भाई दलील दीजिए, ये लोगों की कही सुनी बात में नहीं है। काय की दलील दे भाई, अल्लाह सुबहान व तआला फरमाता है ना सूरह अल बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 111 में, कुल हातु बुरानकुम इन तुमकुम सादिकीन, अगर आप सच्चे हैं तो सबूत पेश कीजिए, तो अगर आप कह रहे हैं यजीद तो थे वो गलत थे तो आप उसकी दलील दे दीजिए। अरे मेरा भाई गलत नहीं चुके तो कोई भी किताब उठाकर आप देखिए तो उसमें मौजूद है कि हुसैन अलैहि सलाम से जंग करी थी यजीद ने, जंग करी थी अल्लाह अकबर भाई, यही सबसे बड़ा झूठ है, करबला की कोई मेरे भाई जंगी नहीं है। लियो
करबला कोई जंग थी नहीं, वो तो एक मेरे भाई इस्लामी तारीख का एक ऐसा हादसा है जिसमें मेरे भाई, अच्छा एक बताइए, अल्लाह के नबी के प्यारे नवासे क्या जंग में औरतों को लेके जाएंगे, बच्चों को लेके जाएंगे, बूढ़ों को लेके जाएंगे? नहीं नहीं सुन तो लीजिए। अरे भाई देखिए, मातम ना चालू आपका, भाई भाई सुनिए, बिना मुहर्रम के मातम ना कीजिए। जो आपसे पूछ रहा हूँ उसको मेरे भाई इत्मीनान से बताइए। आप कह रहे हो करबला की हुई थी जंग, तो ये जंग में क्या मेरे भाई औरतों को लेके गए थे, बूढ़ों को लेके गए थे और बच्चों को लेके गए थे? मेरे प्यारे भाई ये जंग वंग कुछ नहीं थी, रास्ते में जा रहे थे, बीच वालों ने भाई उसके फायदा उठा लिया मेरे भाई और धोखे से शहीद कर दिया। मेरे भाई गम मनाना सुन्नत है, हमें गम मनाना सुन्नत है। लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर तुम्हारे वहाँ किसी का इंतकाल हो जाए तो गम खाली 3 दिन मनाओ, और औरत के लिए कहा कि अगर उसका जो शौहर है अगर उसका इंतकाल हो जाए तो वो 4 महीना 10 दिन इद्दत पूरा करेगी, यानी कि गम मनाएगी। ये कहा है कि हर साल पूरी सदी दर सदी गम मनाओ, ये कौन सा गम हो रहा है भैया? शिया वाले अकीदे मेरे भाई मदारियों में कहाँ से आ गए, ये नहीं समझ पा। अरे फोकान आप सुनते नहीं है, चलो मतलब आप बात सुनिए भाई, आप ही तो सुन रहे थे देर से, हम तो जवाब दे रहे हैं, जवाब देने का तो थोड़ा टाइम दिया कीजिए, एक आध मिनट का। मेरे भाई बात सुनिए, जैसे कि नहीं ये जो आपने कहा है ना कि मेरे भाई सुन्नत है गम मनाना, किसकी सुन्नत है? मिसाल मिला रहे हैं मेरा भाई, वो जन्नत की सिवाओं की सुन्नत है गम मनाना सालों साल मिला, मतलब आप हमने मिसाल मिला रहे हैं उनकी। वो तो आका है, मौला है। कौन मौला है? उनकी हमने मिसाल मिला रहे हैं आप। अरे कौन मौला है, किसको कह रहे हैं भाई, खुल के कहिए ना। हुसैन अलैहि सलाम। हाँ तो क्या हो गया? तो मेरे भाई आप उनकी और हमने मिसाल मिला रहे हैं, जमीन आसमान का फर्क है मेरे वो। अरे तो मेरे भाई उनको शहीद कर दिया गया, तो क्या आज तक मेरे भाई के वो क्या मेरे भाई 3 दिन हुए हैं खाली? मेरे भाई आप ये नहीं कह रहे हैं, सदियों बीत गई, सैकड़ों साल होने वाले हैं और आप कह रहे हो खाली 3 दिन हुए भाई, गम तो 3 दिन का है ना। हाँ तो 3 दिन गम मनाना है ना, सदी दर सदी थोड़ी ना मनाना है। अरे मेरे प्यारे भाई गम मनाना, गम हुसैन मनाना सुन्नत है। किसकी सुन्नत है? शियाओं की सुन्नत है ना, अहले सुन्नत की सुन्नत थोड़ी ना है। सलाम की विलादत हुई थी, अहले सुन्नत की सुन्नत थोड़ी ना है मेरे भाई ये सब गम मनाना मातम करना शियाओं की तरह, ये तो मेरे भाई जो शिया है राबजी उनकी सुन्नत है। हेलो हेलो जी बोलिए ना। हेलो मेरे भाई, जब हुसैन सलाम की विलादत हुई थी तो हजरत जिब्राइल तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो रहे थे, तो हजरत जिब्राइल सलाम ने आज फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि यही 10 मुहर्रम के दिन आपके नवासे शहीद हो जाएंगे, तो इसी गम के मारे आप रोए थे, तो इस लिहाज से गमे हुसैन मनाना सुन्नत है मेरे भाई। तो अल्लाह के नबी ने फिर ये क्यों बोला कि खाली शरीयत में खाली 3 दिन गम है औरतों के लिए, खाली छूट है कि अगर पति उसका शौहर उसका मर जाए तो 4 महीना 10 दिन शोक मनाए? भाई भाई यानी कि माशाल्लाह नबी ने इतनी बड़ी बात उम्मत को मेरे भैया बताया ही नहीं और खाली आपको पता चल गई। अरे मेरे भाई हमारे लोग लिए बताया गया था कि 3 दिन। आपको तकसीम मालूम है कि मेरे भाई की सुन्नत होती है हदीस होती है उसकी तारीफ क्या होती है? अल्लाह के नबी का कॉल फेल और अमल और किसी चीज को देख के खामोशी उसको बोलते हैं तकरीर, ये चारों चीजें मेरे भाई हदीस होती हैं। आप यजीद को मानते हो? अरे हम तो सबको मानते हैं, सारे साहबा को, सारे ताबाइन को, सारे तबे ताबाइन को, हमारे वहाँ ये नहीं है कि बास को मानते हैं, बास के लाल करने लगते हैं। साहबा की दर से हो गया भाई, अब ये साबित करिए कि साहबा की दर से हो गया। तो भाई हमने कब कहा साहबा हो गया भाई? आपने नहीं कहा मैं सारे साहबा को मानता हूँ, हवा में सारी बातें हैं दी, मतलब एक लाइन सुनते हैं बाकी लाइन छोड़ देते हैं। मैंने कहा सारे साहबा को, ताबाइन को, तबे ताबाइन को, सबको मानता हूँ मैं। तो ये तबे ताबाइन ताबाइन है मेरा भाई है? ये यजीद कौन है आपको मालूम है? अरे यजीद अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो मेरे भाई बेटे हैं उनका नाम है यजीद बिन माविया। हजरत माविया का लड़का यजीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोलो मेरे भाई, तमीज नहीं है क्या साहबी का नाम लेने का?
अरे हाँ मेरे भाई रजी अल्लाह तआला, ठीक आपने जैसे कि ये कहा कि साहबी का नाम लेने की परिणति, अभी आप हुसैन अटेंड कर रहे थे, ठीक है मेरे भाई, आप तो हाँ अपने बाप का नाम ले लोगे तो भाई फैसले हुसैन बाप तो हमने कहा ही नहीं, बाप हम तो मेरे भाई इतनी देर से कह रहे हैं कि अल्लाह के हुसैन नबी के सलाम के प्यारे लिए आप तो नवासे, भी जाते मैंने तो हैं नाम ही नहीं लिया। कितना झूठ बोलते हो मेरे भाई मेरे ऊपर। भाई। यार भाई अब बात इतनी आपने आ कहा गई था है तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, तो मेरे मैंने कहा भाई, ठीक है, मेरे भाई हुसैन जब हमने कह दिया कि मेरे भाई माविया अल्लाह रजी के अल्लाह नबी तआला के के प्यारे बेटे हैं नवासे तो के क्या वो सामने, ठीक है यजीद ऐसे सैकड़ों माविया रजी यजीद अल्लाह आ तआला जाएं उनका तो बेटा है भी क्या मेरे नबी के नवासे के बराबरी वो नहीं मेरे कर भाई, सकते, तो उसने अब बगावत तो इससे करी ज्यादा सबूत थी आपको क्या प्यारे चाहिए? प्यारे मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों से पानी गर्म अल्लाह के किया था, नबी ने अपने उसने दोनों मेरा नवासों मेरे को भाई अपनी चादर के अंदर मेरे आप भाई लोगों रखा को और लोगों से कहा कि ए लोगो, ये मेरे दो फूल हैं, जो इनसे मोहब्बत करता है वो हमसे मोहब्बत करता है, जो इनसे नफरत करता है वो हमसे नफरत करता है। तो नबी भाई के दोनों हुसैन नवासों के सामने, भाई ठीक नबी अब एक है, हुजूर सल्लल्लाहु यजीद अलैहि वसल्लम ऐसे फरमाए सैकड़ों हुसैन यजीद नहीं आ वहां जाएं, नबी उनके हुसैन, बराबरी के हुसैन मुकाम नहीं पे वहां नहीं है। नबी हुसैन, लेकिन हुसैन इसका मुझसे मानना है ये मैं नहीं कि हुसैन हम से हूँ, लालटन ठीक है जलने मेरे लगे भाई। हैं। हुसैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुसैन नहीं वहां नबी हुसैन, हुसैन मुझसे मैं हुसैन से हूँ, तो मेरे भाई तो आप अगर यजीद तो भाई साथ मैं हैं तो कहाँ आप कुछ कह रहा हूँ उनको यजीद के मेरे साथ भाई, हैं आप तो आप जबरदस्ती मेरे कहाँ भाई की सर यहाँ कहाँ का से टांग जोड़ ले, मैंने कुछ मेरे भाई बुरे अलकाब कहा क्या किसी को? मेरे भाई आप यजीद को मानते हो ना, तो ये गलत है अरे मेरा तुम यजीद को मानते मानना, मानते तो हम यजीद सबको क्या है है। ना, मानते तो इमाम भाई अबू हनीफा रहीमुल्ला को भी है, अरे आपके मेरे दिलजी भाई मदार इमाम साहब बाबा है उनको भी इमाम मानते हैं, इमाम तो अबू जिसको हनीफा मानते हैं तो रजी अल्लाह सर क्या तआला मेरे उनको मतलब क्या वो तो उसको इमाम है भी मेरा अपना भाई, नबी मान लेंगे? लेकिन इमाम इमाम और यजीद की तो मिसाल में वो काफिर है, वो कौन काफिर काफिर था है, कौन काफिर है यजीद। भाई? आप हमको लग रहा होश में नहीं है, आप जाके अपने मेरे भाई दिमाग का इलाज कराइए, ठीक है? अरे मेरे भाई यजीद काफिर नहीं था, यजीद को मेरे भाई 1440 साल में कौन से अहले सुन्नत के अइमा ने मुहदिसीन ने भाई काफिर कहा, जरा एक का नाम बताइए। अब मेरे भाई जैसे के मतलब आप ठीक है तो नहीं देखिए, आपने आपके काफिर कहने से काफिर हम नहीं मान लेंगे ना, कोई अहले सुन्नत का कोई एक चलो ना एक मानो भाई, मुहदीस ये भी एक आप लोगों के इमाम जिसने सामने बैठ के काफिर अमीन कहा नहीं हो हो जाना है। अरे भाई, ये झूठ ना बोलिए, किसी को काफिर आप ना कहिए भाई अपनी जुबान से, ठीक भाई है? अगर उसके दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि अच्छा वसल्लम की उनसे मोहब्बत आपको थी इतनी नफरत क्यों है पहले तो आप ये बताइए। वो मेरे भाई अगर नहीं उसे हुजूर यजीद से सल्लल्लाहु आपको क्यों इतनी वो चिढ़ अगर है, क्यों नफरत है, आप तो आप बात बताइए। सुनिए आप बात सुनेंगे, जब अगर उसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होती मेरे भाई तो वो कभी हुसैन अलैहिस्सलाम से जंग नहीं करता मेरे भाई, उनसे बगावत नहीं करता, उनसे दुश्मनी नहीं रखता। तो इसका अब मतलब तो भाई हुसैन अल्लाह मेरे के नबी भाई की जो बीवी थी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा और अल्लाह के नबी के जो दामाद थे अली रजी अल्लाह पहले आप ताला अन्हु, सुनिए आपस में दोनों में मेरे मेरे भाई, भाई इख्तलाफ हुआ, तो क्या इसका मतलब क्या मेरे भाई सास और दामाद में इख्तलाफ हो गया? पहले आप बस में देखिए अगर ठीक सहाबा के आपस का ठीक मेरे भाई जो इख्तलाफ है, आप उसको आज की तारीख में लेके किसी एक पार्टी को मोमिन और दूसरी मतलब जो पार्टी उसको काफिर, ये अगर आप कहेंगे ना तो आप चले जाओगे जहन्नम में। तो मेरे आपको भाई खामोशी तैयार अगर करना है, आपको अपने अमाल मेरे देखना है, भाई, अपनी अरे नमाजें देखना है, भाई बात अपना तौहीद सुनिए देखना तो है, भाई अब मतलब क्यों खुद बेकार तौहीद में आपका बैठे सही हैं, नहीं है, पहले दम बात मदार सुनिए, बेड़ा पार के बात नारे सुन बाजी नहीं रहे करते हो, अपने आए दूसरों भाई, को टाइम काफिर लगाए करते रखते हो, हैं, बात बेड़ा सुनिए, पार बात करने वाला करने का सिर पर आपको अल्लाह कमीज सुभान नहीं व ताला बिल्कुल। है, बिना अल्लाह के कोई मदार कोई आपके बेड़ा पार ही नहीं कर अरे सकता। बात आप देखिए कौन कोई मदार, ये अपने बाप का भी नाम ऐसे ले लेते हो क्या? हाँ बिल्कुल, मैं तो अपने बाप को भी कह रहा हूँ कि अल्लाह के अलावा मेरा बाप भी कोई का बाप भी उसको नहीं बचा सकता, तो मेरे भाई कोई नहीं अल्लाह ही बचा सकता ताला लेकिन बचाने वाला है। औलिया, लेकिन औलिया की इज्जत करना तो सीखो यार तो हमने कौन सी बदतमीजी कर दी, हमने तो पहले कहा भाई। ना आप कि मदार औलिया को जैसे मदार मानना मतलब की चाहिए कर रहे हो वैसे ना, मानते हजरत हैं, नाम रजी अल्लाह माबूद अमीन तआला बना लेते हैं, जिस तरीके से अल्लाह सुबहान मेरे व भाई, ताला ने माबूद सूरह तौबा माबूद का आयत तर्जुमा नंबर आपको पता है, 31 में कहा है माबूद कि का और तर्जुमा पता उन्होंने है, अपने माबूद का आलिमों तर्जुमा को आता है आपको, दरवेशों माबूद को का क्या उलमा मतलब है को बताइए, अपना रब बना माबूद लिया, का अपना तर्जुमा अल्लाह बोलिए। बना लिया, तो हम अल्लाह नहीं बनाते हैं भाई अच्छा उनको, ये तर्जुमा है, और क्या अरे जा यार रखो तुम खोल बेकार के दिमाग देखिए में सूरह चले तौबा जाना। आयत नंबर 31।